आज हमारा जन्मदिन है, आज पूरे 51 कंप्लीट हो गए। आज ये फिजिक जो मैं पिछले 15 साल से मनाते हुए आ रहा हूँ, और सोशल एक्टिविटी भी तो मैं 97 से हूँ। तो आज शिविर का मतलब ये होता है कि हमारे जो मोहल्ले बस्ती के लोग जिससे मिलता था, न्यूज़ चैनल हमारा था, तो कई लोगों को समझ में आता था कि तकलीफ में है, लोगों को मदद नहीं पहुँचती थी। तो मैं फिर जन्मदिन मनाने का तरीका मैंने चेंज कर दिया, तो मैं इस तरीके से जन्मदिन मनाएंगे। क्या इसमें लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है, कम से कम पिछले बार हमने पिछले साल हमने 5 हज़ार में बैठे थे, तो इस बार 7 हज़ार के लगभग है। और फिर इस बार तो हार्ट का भी चेकअप था, ECG भी था, पर आज बरसात थी, अब जगह कम होने के कारण लगी नहीं है, लेकिन काफ़ी काउंटर यहाँ पे लगे हैं, तो ये अच्छा लगता है इस टाइप से जन्मदिन मनाना। जैसे गरीबों को सेवा करवाना आपको बहुत अच्छा लगता है, गरीबों के लिए क्या संदेश रहेगा? गरीबों की तो गरीब तो इंसान को रहता नहीं है, सभी दिल से अमीर है बेचारे, ठीक है मजबूरी उनकी जो भी है, लेकिन उनके बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके लाइफ के जो दिन होते हैं अब सोने में, फालतू चीज़ों में, इंस्टाग्राम में या काफी मोबाइल में गवा देते, आप टाइम बचाओ, टाइम बचाओ, उस टाइम के सबसे काम करो। तो 2 घंटे 4 घंटे भी अगर पढ़ाई रहते हुए काम किया किसी ने, 11th 12th 1st ईयर वाले ने, तो उसकी रोजी रोटी भी चलती है, उसको काम का भी अनुभव मिलता है और उसकी ना पढ़ाई भी कंप्लीट होती है। ऐसा करना चाहिए, लोग करते नहीं, पूरी कंप्लीट करते, अब बड़ी नौकरी ढूंढते, मिली मिली नहीं मिली, फिर माँ बाप को दोष देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप ने पैदा किए, उनका एहसान मंद अपने को होना चाहिए। जब अपने 18 साल के हो गए तो अपनी जिंदगी जीने का अनुभव अपने में आना चाहिए।